इस बुक्कड़ को देखो, एक साल का खाना एक साथ खा ली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल बज रहे सुबह के 8:30 और आज है 24 जनवरी। तो कल मैं शाम को आ गई थी मैं ठमा के घर रहने, ठमा मतलब दादी, तो उनके घर में रह गई थी। अभी आज चली जाऊंगी, घर तो सामने ही है। तो आप लोग बने रहिए, मैं वीडियो कंटिन्यू रखती धीरे धीरे जरा दम ले। हमारे यहाँ कब से इतना मौसम खराब करके रखा है, मतलब अभी के 4-5 दिन पहले से जब बारिश स्टार्ट हुई थी अभी भी पूरा मौसम ऐसा ही करके रखा है। अभी भी पूरा एकदम कोहरा कोहरा, बारिश गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, धूप थोड़ा निकल रहा है, फिर से छाव हो रहा है, पूरा फ्रेश होके सीधा ब्रेकफास्ट करके अभी घर के लिए मैं निकल जा रही हूँ। घर तो सामने है तो घर जाऊँगी अभी। मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है, वही भाई को जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शर्मा गया। तो घर मेरे भाई के हाथों ने मछली भिजवा दिया, तो मछली लेके जाए। तो काकी घर से आके सीधा थोड़ा खाना वाना खा लिया, भाई भी आया था तो उसके साथ घूम लिया थोड़ा सा। तो अभी आके बैठी हूँ खेलने के लिए। और मेरे यहाँ कितने दिनों के बाद जाके धूप आया, मतलब बहुत दिनों के बाद मतलब धूप आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर से बारिश हो जा रहा है, लेकिन आज प्रॉपर धूप आया है। और हाँ, रात को हमें जाना है एक शादी में भी। वो इतना अच्छे से धूप आया था, अभी फिर से अंधेरा अंधेरा हो गया है, मतलब हमारे इधर भी रोज ऐसे ही चल रहा है। तो आज रात को जाना है शादी में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा रहता है। मैं तो अलग से बहुत दिनों के बाद शादी में जाने को मिल रहा है। और मैंने कल थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी लिया था पहनने के लिए। तो अभी सबसे पहले मुझे आईब्रो बनाना है, तो वो तो मैं खुद ही बना लेती हूँ ब्लेड से, क्योंकि धागे से वो बहुत दर्द करता है, इसलिए तो मैं खुद दे आता है, तो मैं ब्लेड से बना लूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरा आईब्रो बनाना, तो बस यही करूँगी। तो रात में जब रेडी होंगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या ड्रेस अप। वैसे ठंडी में कुछ खास नहीं है, इतनी ठंडी है, ज़्यादा स्टाइल मारने जाऊँगी तो बुखार होके बैठे रहना पड़ेगा, इसलिए बाहर में जाऊँ पहले ठंडी की व्यवस्था, उसके बाद देखा जाएगा। ये मैं जब भी वीडियो करती हूँ एक कुत्ता वाह या वो कर रहा होता है, क्या हुआ क्यों चेरी ओ ले। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं दोपहर में सो के उठी हूँ, तो फ्रेश लग रहा है पूरा। उठ के अभी काम वाम करूँगी, फिर थोड़ा देर गेम वेम खेल के आराम से रहूँगी। तो अभी बज रहे 6:30, तो शादी में जाना है हमें 8 बजे। फिर मुझे सबसे ज़्यादा लेट लग जाता है, इसलिए मैं ही रेडी होकर सबसे पहले बैठी रहूँगी। उसके बाद मुझे कुछ वीडियो भी बनाना है, तो मैं वीडियो बनाऊँगी। फिर मामी को भी रेडी करवाना पड़ेगा, मतलब बाल उनके बांधने पड़ेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले रेडी होके एकदम परफेक्ट होके रहा हूँ। तो गाइस मैं हो गई रेडी, तो सब लोग ही हो गए रेडी, माँ भी आ गई, आओ माँ भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई, सब रेडी हो गए। अभी मामी के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग तो पहले पहले रेडी होके पूरा खत्म होंगे, बस शादी में जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। Yeah.
जल्दी मैं तो ये खाना, ये मार चिकन से फिश से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये खाना। अरे इस कुकर को देखो, इस कुकर को देखो, एक साल का खाना एक साथ खा रही है। तो हम हैं जीनियस लोग, मतलब खाना वाना पूरा खत्म हो गया और हम आए हैं अभी कॉफी पीने, मैं और मेरी दीदी। हम लोग अभी पी रहे हैं और ये मेरे बड़े पापा के जो है लड़की है, तो मतलब मेरी दीदी है। हाय हाय। दूल्हा दुल्हन का तो कोई आता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, जब से आए तो दिखाई नहीं। यहाँ पे सब आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, हम यहाँ प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना। ओके जानो तू दिन दिन सुन जरा तू बस क्या बात है। छाती वाती अभी खाना बना खत्म, मैं घर जाएगी और आराम से लेटेंगे। ठंडी हो रही है पूरा। अरे गाइस ये देखो मेरे काम को, मतलब क्या मुझे अंकल करते करे करे हाय को किराम माता की। स्टेशन रात वाला माहौल, अंधेरा अंधेरा। अबे तो हम जा रहे घर, हमारे घर तो स्टेशन के उस तरफ है। तो हो गया आगे घर पर आके, तो सबसे पहले चेरी और किटी कैट ने सबको खाना दे दिया, कपड़े भी नहीं खोले। तो अभी कपड़े वपड़े खोल कर आराम से पूरा मुँह धो के खराटे लेके सोने वाली हूँ, रूम पे आ गए। सो दैट इज द एंड फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।